हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की डेट न्यूज शुरू करते हैं। थोड़ा सा टेक न्यूज अगर लेट आई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये आज का तीसरा वीडियो है, तो आप लोग इसी तरीके से मुझे बर्दाश्त कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5000 लाइक ही मांगता हूँ, ज्यादा नहीं मांगता हूँ। कमेंट करिए और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की टेक न्यूज वो शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे Uber से। Uber ने यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि अपनी एक फ्लाइंग कार जो वो लाने वाला है, जिसके ऊपर Uber काफी टाइम से जो वो मेहनत कर रहा है। और यहाँ पे उन्होंने फिर से दूसरे बार जो वो NASA के साथ में पार्टनरशिप कर दिए, जहां पे उन्होंने अर्बन एयर मोबिलिटी की टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करने के लिए NASA की जो वो हेल्प मांगी। अब यहाँ पे NASA क्या करेगा कि जो भी एयर में जो भी इनकी अलग से जो गाड़ियां उड़ती है, इसके अलावा भी दूसरी भी जो गाड़ियां आएगी फ्यूचर में, उसको जो ट्रैफिक होगा एयर में उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, उसके रूट्स बनाने के लिए NASA यहाँ पे उनकी जो हेल्प करेगा। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि ग्राउंड के अलावा आसमानों में जो चीजें होती है वो NASA ज्यादातर उन चीजों की देखभाल करता है, समझता है। ऐसी चीजों के अंदर Uber ने यहां पे अलग से साइन किया अपनी फ्लाइंग कार के लिए, जहां पे NASA उनकी जो वो हेल्प करेगा, यानी कि सेफली दूसरी गाड़ियां यहां पे आसमान में Uber की जो फ्लाइंग कार होगी वो उड़ सकती है, अपने डेस्टिनेशन में जो वो पहुंचा सकती है लोगों को। इसमें NASA यहां पे उनकी बहुत ज्यादा जो वो हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे Intex ने इंडिया के अंदर अपना एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन जो वो लॉन्च कर दिया। और काफी टाइम बाद मेरा प्यारा Intex जो वो लौट के आया है, जहां पे नाम नहीं समझ रहा है, STAAR तारी जो भी बोलेगा आप इसको। अब ये फोन थोड़ा सा ठीक है, 6000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। आपको यहाँ पे 3GB रैम, 32GB स्टोरेज मिलती है, 5.2 इंच की HD की नॉर्मल डिस्प्ले, ये आपको फुल व्यू डिस्प्ले नहीं मिलता है। MT6737 इनका दुलारा एक प्रोसेसर है जो आपको ये मिलता है इसके अंदर। 13 का रियर, 5 का सेल्फी, 2800 mAh की आपको बैटरी मिलती है। लेकिन नामों से मैं एकदम से कुर्बान गया हूँ Intex के फोन के ऊपर। Intex का तारी संदेश महेश रूहेश ये तो वहां पे Intex ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था। तो उसके छोटे भाई यहाँ पे कार्बन ने भी अपना एक डुअल सेल्फी वाला स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया, जिसकी प्राइस है 6800 रुपए, जहां पे इसके अंदर आप लोग को 5.2 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, इनका प्यारा दुलारा MediaTek का कोड कोर अननोन प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सल का आपको डुअल कैमरा मिलता है जो कि सेल्फी में मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको रियर में मिलता है, और क्या मिलता है, बस वैसा कुछ खास तो है नहीं ये फोन। तो ये कुछ 6800 रुपए में अगर आपको डुअल, आपकी मर्जी, आप अगर आपको चाहिए तो आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फ्लिपकार्ट का सेल आ रहा है 13 मई से 16 मई के बीच में, तो यहाँ पे अमेजोन भी पीछे हटने में से नहीं है। और अमेजोन भी अपना खुद का एक समर सेल लेके आ रहा है और लिखा है सो हॉट। इसके अंदर भी 13 मई से 16 मई के बीच में सेल चलेगी, जहाँ पे आपको काफी सारे स्मार्टफोन पे अच्छे से अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे दो चीज आपको वर्थ नोटिसिंग है, और वो सबसे पहला ये कि रियलमी, जो ओप्पो का रियलमी वाला स्मार्टफोन है, वो 13 मई से जो अवेलेबल हो जाएगा अमेजोन पे, जिसमें हीलियो का P60 वाला प्रोसेसर आएगा, 6GB की रैम है, ऐसी कुछ बातें हो रही है। और साथ में यहाँ पे नोकिया का जो 6.1 है, जो कि 2018 वाला वेरिएंट है, इसके 4GB रैम और 6GB रैम वाले वेरिएंट भी जो वहां पे आ जाएगी अमेजोन पे, जिसकी प्राइसिंग अभी सामने नहीं आई है, 18-19-20 हजार रुपए के आसपास होगा। फिर नोकिया 7 प्लस पे डिस्काउंट है, तब वगैरह वगैरह चीजों पे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। जो फ्लिपकार्ट पे आप जाएंगे 13 से 16 मई के बीच में, आप अमेजोन पे भी एक बार जाके देख लेना, क्या पता आपको कुछ फायदे की जिस वहां पे भी जो वो मिल जाए। तो यहाँ पे Xiaomi का Mi 7 बताया जा रहा है कि इस महीने के अंदर जो वो चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पे अभी तक ज्यादा इसकी कोई लाइव पिक्चर जो वो देखी नहीं गई थी, तो यहाँ पे Xiaomi के Mi 7 की कुछ लाइव पिक्चर इस बार जो वो लीक होकर आ चुकी है, जहां पे आपके सामने दो अलग अलग पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। एक में आपको पीछे की तरफ से ये फोन दिख रहे हैं, दो अलग अलग कलर में आपको दिख रहा है, जहां पे आपको डुअल वर्टिकल रियर फेसिंग कैमरा दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, जहां पे प्रीवियसली रूमर थी कि Xiaomi का जो Mi 7 आएगा उसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। और एक तरफ सामने की तरफ आपको नॉच वाला फोन दिख रहा है, नॉच ऊपर की तरफ काफी चौड़ा सा है, iPhone 10 जैसा आपको सेम देखने को मिल रहा है, फुल व्यू वही सेम आपको डिस्प्ले मिल रही है। लेकिन यहां पे आप लोग को एक और पिक्चर आ रही है सामने की तरफ, देखेंगे इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 8.1 दिखा रहा है, MIUI 9 दिखा रहा है, और यहां पे भी आपको कुछ रिमेनिंग चीजें जो वो देखने को मिल रही है। तो ये Xiaomi का Mi 7 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके की चीजें यहां पे सामने लीक होकर आई है, जहां पे काफी सारे लोग बता रहे कि ये Xiaomi का Mi 7 होगा जो चाइना के अंदर में मई के अंदर जो वो देखने को मिल सकता है। तो Qualcomm का Snapdragon के 700 सीरीज वाले प्रोसेसर जो वो MWC 2018 में Qualcomm ने अनाउंस किया था, अब यहां पे बताया जा रहा है कि इन सीरीज में से आप लोग को एक और प्रोसेसर मिलेगा, वो होगा Snapdragon का 730। यहां पे फिलहाल के लिए जो सबसे पहला प्रोसेसर इस सीरीज में जो आने वाला था वो था 710, यानी कि 710। अब 730 भी यहां पे जो वो लीक हो गया है। और दोनों प्रोसेसर की अगर मैं बात करता हूं तो ये Snapdragon के 600 सीरीज के सक्सेसर हो गए, जहां पे 710 जो का वो
10 nm टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोसेसर होगा और 730 जो होगा ना वो 8 nm टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोसेसर होगा, जो 710 से भी 10% और आपको जो लेस बैटरी कंज्यूम करके देगा। तो ये जो प्रोसेसर होगी काफी पावरफुल होगी, दोनों में आपको Adreno का 615 का GPU होगा और आपको कैमरे भी अच्छे खासे, डिस्प्ले भी अच्छे खासे मिलेंगे। और हमें नहीं पता कि कौन से स्मार्टफोन्स को ये वाले प्रोसेसर जो वो पावर्ड करेंगे, लेकिन ये एक बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन में आएंगे इतना तो तय है। और हमें लगता है कि Xiaomi शायद से इस तरीके के प्रोसेसर जो वो लेके आएगा। तो देख लेते हैं कि 700 यानी कि 78 सीरीज वाले जो प्रोसेसर है वो कितना जल्दी आते हैं और कौन से स्मार्टफोन्स लाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और OnePlus 6 बताया जा रहा है कि हम सभी लोगों को Android P के साथ में जो वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि Google के IO 2018 के बारे में मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको कार्ड देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें Google ने Android P का एक पब्लिक बीटा वर्जन अनाउंस किया और कुछ स्मार्टफोन्स कंपनीज की लिस्ट बताई थी जो यहाँ पे इस तरीके के OS के साथ में हम सभी लोगों को अपडेट देंगे फ्यूचर में। उसमें से OnePlus भी था और OnePlus का जो 6 आएगा इसमें आप लोग को Android P का पब्लिक बीटा वर्जन जो वो देखने को मिल सकता है, ऐसी यहाँ पे खबरें आ रही है। और मुझे भी यहाँ पे मीडिया की ईमेल आई थी, उसमें भी मेंशन किया गया था। तो देख रहे थे यहाँ पे OnePlus 6 अगर Android P के साथ में आता ना तो कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगी। फोन तो अच्छा ही है, फीचर्स तो अच्छे ही है, आपको वर्जन भी काफी अच्छा मिलेगा और ये चीज कभी Xiaomi अपनी जिंदगी में जो वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे Sharp ने अपना एक नया स्मार्टफोन जो वो लॉन्च कर दिया है, Sharp Echoes R2। अगर आपको नहीं पता है Sharp कौन सी कंपनी है, तो एक जापानीज कंपनी है जिसने अपने ऐसे ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च करी है ना जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद सोचेंगे यार कमाल के स्मार्टफोन से। और अच्छी खबर ये आ रही है कि Sharp के जो फोन से बताया जा रहा है कि इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी जो वो आने वाले हैं। अब Echoes R2 जो उन्होंने लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको सामने की तरफ एक नॉच मिलता है, जो छोटा सा नॉच है कैमरे का, और साथ में आपको Qualcomm Snapdragon का 845 वाला प्रोसेसर मिलता है। और इसमें जो डुअल रियर फेसिंग आपको रियर में जो कैमरा मिलता है ना, उसमें जो एक कैमरा है ना वो डेडिकेटेडली वीडियो के लिए जो बनाया गया, यानी कि उस कैमरे से आप डेडिकेटेडली वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं सेपरेटली वीडियो के लिए जो बनाया गया। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में उन्होंने ये फोन को लेके आया। और हमें नहीं पता कि इंडिया में कितना जल्दी लॉन्च होगा, लेकिन ये वाले स्मार्टफोन अच्छे प्राइसिंग में वहां पे जाते हैं, शायद से इंडिया में भी कुछ इस तरीके की प्राइसिंग के साथ में हमें जो देखने को मिल सकता है। तो BSNL यहाँ पे अपना एक नया रिचार्ज लेके आ गया जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, जिसके अंदर आप लोग को 39 rupees सिर्फ देना है, जहां पे फिलहाल के लिए मुंबई और दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा आप उसको कहीं भी जाकर यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को यहाँ पे 10 दिन की वैलिडिटी मिलती है, अनलिमिटेड कॉल्स मिलते हैं किसी भी नंबर पे इंडिया में आप कर सकते हैं, और कुछ SMS भी आपको यहाँ पे जो फ्री मिलते हैं। तो ये चीज है, लेकिन डेटा आपको नहीं मिलेगा 39 rupees में 10 दिन के लिए, मेरे हिसाब से अनलिमिटेड तो वो सही है। और साथ में यहाँ पे उनका जो फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान है उसको यहाँ पे उन्होंने रिवैम्प किया है, 1045 वाला प्लान 1395 1895 जो प्रीवियसली आपको मिलते थे, उससे 50-100 GB आपको और ज्यादा डेटा मिलेगा। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ही है कि आपको और 50-100 GB आपको और ज्यादा जो वो डेटा दे रहे हैं। तो अगर आप ये वाले फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान्स BSNL की यूज करते हैं रिचार्ज करेंगे जाके, तो आपको इस बार कुछ ना कुछ फायदा जो वो हो जाएगा। यहाँ पे Fitbit ने इंडिया के अंदर अपनी दूसरी स्मार्ट वॉच जो वो लॉन्च कर दिया है, जो है Fitbit Versa, जिसकी प्राइस है 20,000 रुपए की। और जहां पे इसके अंदर आप लोग को कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, इसके अंदर Fitbit का OS आता है, आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं और हार्ट रेट मॉनिटर ये वो फिटनेस जैसे बैंड होते ना कुछ इस तरीके का काम करता है। और साथ में आपको यहाँ पे इनके अलग से एक्सेसरीज मिलती है जो आपको 2,500 रुपए से शुरुआत होता है और 9,000 रुपए तक का जाता है। और साथ में उन्होंने कहा कि वो बच्चों के लिए भी स्मार्ट वॉच लेके आने वाले कुछ दिनों में, जिसकी प्राइसिंग 8,000 रुपए की होगी। तो ये कुछ सीन है Fitbit की वॉचेस, अगर आपको लेना है काफी एक्सपेंसिव मुझे से लग रही है, उससे अच्छा तो आपको बहुत सारी वॉच मिल जाएंगी, तमाम एंड्रॉइड के फीचर्स मिलते हैं, 2 GB की रैम के साथ में आते हैं। तो अगर आपको ये वाली चाहिए तो आपकी मर्जी, आप ये वाला Fitbit वाला वॉच जो वो जाके परचेस कर सकते हैं। तो आज इंडियन न्यूज से खत्म होती है, उम्मीद करता आपको आज इंडियन न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।